हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मैं बहुत जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि कॉल्स इतने बढ़ते जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड बता रहे थे कि हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं आज आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे जितने सारे कॉल्स आए थे इस वीडियो के माध्यम के थ्रू, उसमें पता चला कि बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि एक वेस्टिज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन इसको शुरू कैसे करें उनको पता ही नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज़ का अगर सही शुरुआत हो तो वो चीज़ बहुत अच्छी जाती है, आपको भी पता है और पूरा दुनिया को भी जग जाहिर है। तो शुरुआत हमेशा सबसे अच्छी होनी चाहिए। मेरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप इसको एक बिज़नेस मॉडल की तरह देख रहे हैं या कंज्यूमर मॉडल की तरह देख रहे हैं? आप अपने आप को खुद को पूछिए। अगर आप इसको एक बिज़नेस मॉडल की तरह देख रहे हैं तो आपको दो चीज़ में इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो चीज़ है कि आपको यहाँ पर एजुकेशन लेना पड़ेगा, ये चीज़ को सीखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बना रहे हैं, जिस ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का हम आपको एजुकेट करेंगे आप इस बिज़नेस में कितना मैक्सिमम जल्दी बेनिफिशियल होकर जल्दी ग्रो कर सकें। उसके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोग बताएंगे, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिलेगा और हमारा ये जो ग्रुप है वो पूरा डेडिकेटेड है। यहाँ पर हम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट को घर घर पहुँचाना चाहते हैं, सब लोगों को यहाँ एजुकेट करना चाहते हैं। हम मैक्सिमम यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट पाना चाहते हैं कि ज़्यादा लोग यहाँ पर एजुकेटेड हों और अपने लिए कुछ एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकें। क्योंकि अभी सरकार भी बोल रहे हैं कि अब जो आपको खुद को स्वयं सेवक बनना पड़ेगा, आपको खुद को स्वरोजगार खुद को बनाना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से मैं बताऊंगा वेस्टिज एक इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको आप खुद को स्वरोजगार दे सकते हो और स्वरोजगार के साथ साथ आप कुछ लोगों को मदद भी कर सकते हो उनको रोज़गार देने में। ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी और कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे पहला चीज़ आता है कि आपको शुरू कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि आप इसको बिज़नेस मॉडल की तरह देख रहे हैं या सिर्फ एक कंज्यूमर की प्रोस्पेक्टिव में सोच रहे हैं। पहला तो चीज़ आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। आप जब वेस्टिज में आ चुके हैं तो आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। पहला चीज़ आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं। पहले अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस करने आए हैं, उसके बाद ही आता है आपका बिजनेस, समझ गए। पहले आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। तो एक बिज़नेस के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि ये वेस्टिज जो है एक लो जोखिम, मतलब सबसे कम जोखिम वाला बिज़नेस है। और ये जो सबसे लो जोखिम का, इसका मतलब नहीं है कि आप बस, मैं कुछ लोगों को देखा हूँ कि कुछ 500 1000 1500 रुपए से ही इसको शुरू करते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो पहला चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, आप 1000 रुपए से कभी शुरू ही नहीं करेंगे, ना कि ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो कि 1000 रुपए से शुरू करें। अगर वो कंज्यूमर होने के लिए रेडी है तो उसको कंज्यूमर रहने के लिए आप 1000 रुपए से शुरू करवा सकते हैं। अगर आप बिज़नेस के लिए सीरियस हो और आप चाहते हो कि हमारे साथ आप ट्रेंड हो के यहाँ पर लाखों रुपए महीना का भी कमा सकते हो, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपको सबसे सही शुरुआत है फर्स्ट एट। जी हाँ, हम जो ये बिज़नेस मॉडल को लेके आए थे, मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जिस मेंटोरशिप के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा यह एक उसूल होता है दोस्त कि अगर ये बिज़नेस को करना है तो आपको फर्स्ट एड के साथ शुरू करना है। फर्स्ट एड में है क्या, सिर्फ 8,500 या 9,000 के बीच में आपको सामान लेना पड़ेगा और ये सामान तो सारा डेली यूज़ है, आपको 2-3 महीने में यूज़ हो ही जाएंगे। इसमें बेनिफिट्स 3 रहेंगे आपका। पहला चीज़ है, आप ज़्यादा सामान के बीच में एक्सपोजर मिलेगा, आप मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करके देख सकते हो। यहाँ पर हम बोलते हैं यूज़ एंड अर्न। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो फेथ नहीं आएगा, वो बिलीफ नहीं आएगा सामान के ऊपर। अगर फेथ एंड बिलीफ नहीं आया, आप किसी को भी प्रेजेंटेशन देना जाओगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है दोस्त। ये जो फेथ एंड बिलीफ है, आपका एटीट्यूड है, ये सब रिफ्लेक्ट करता है दोस्त दूसरों के ऊपर। तो उनको भी वो फेथ एंड बिलीफ आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे और बिज़नेस नहीं चल पाएगा। दूसरा चीज़ है, ये जो 8,500 का सामान लिया, उसमें से 3-4 हज़ार का सामान तो आपका घर का यूज़ में ही यूज़ हो जाएगा। और कुछ सामान हम जो ये बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं आपको एक मैजिक कॉर्नर बनाना है घर में। आपका जो ड्राइंग रूम है वहाँ से सबसे एक अच्छा जगह है जहाँ पर लोगों का जनरली नज़र जाता है, उस एरिया में आपको कुछ प्रोडक्ट्स को सजा के रखना है। पहले बात बताइए दोस्त, ये बिज़नेस है लोगों का बिज़नेस, और लोग यहाँ पर आएंगे कैसे? अब लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, लोगों को कैसे पूछेंगे? इसके लिए आपको एक मैजिक कॉर्नर बनाना पड़ेगा घर में, ताकि लोग पूछे तो सही ये चीज़ क्या है। तब तो आप उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बताओगे, तब तो आप उनको बताओगे कि यहाँ पर लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक मैजिक कॉर्नर बनाना है कुछ प्रोडक्ट्स के साथ। और तीसरा चीज़ हम बताते हैं कि आपको एक डेमो किट बनाना है, क्योंकि बिज़नेस है टच फील इफेक्ट का, फील फेल्ड फाउंड जो बोलते हैं। तो आप प्रोडक्ट को जब तक दूसरों को फील नहीं कराओगे, उनको दिखाओगे नहीं, फिजिकली वो लोग हैंडल नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं,
तो वहाँ पर वो लोगों का वो इफेक्ट आएगा नहीं। आप बिजनेस प्लान पूरा धड़ाधड़ दिखा दिए, देखा तो एंड रिजल्ट जीरो निकला। तो प्रोडक्ट को टच फील इफेक्ट कराना जरूरी है। इसके लिए आपको एक डेमो किट बनाना पड़ेगा जिसमें 1,500 से 2,000 का सामान आपका आ जाएगा। 2,000 रुपये 2-3 हज़ार का सामान आप घर के सामने एक मैजिक कॉर्नर बना सकते हैं और 3-4 हज़ार का सामान आप यूज़ कीजिए। तो सबसे लो जोखिम वाला 8,500-10,000 रुपये में आप एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाने जा रहे हैं जो कि आपको ज़िंदगी भर के लिए 1,00,000 रुपये देगा। आप सोचिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपको कैसे लेना है, एज ए कंज्यूमर मेंटालिटी में या एक एंटरप्रेन्योर की तरह बिजनेस मेंटालिटी में। तो प्लीज़ दोस्त, अगली बार से आप इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसको बिजनेस में लेना है या कंज्यूमर की तरह लेना है। अगर बिजनेस की तरह लेना है तो बेझिझक आप 8,500 का, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, प्रोडक्ट सब A1 क्वालिटी के हैं। आप ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद के ऊपर बिलीव भी बढ़ेगा और आप बहुत खुश भी रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट के साथ साथ। तो आप पहले इसको ये बिज़नेस को अगर आप इसको बिजनेस मोटिव में ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट एड के साथ स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था। दोस्तों अगर बिजनेस मोटिव में है तो प्लीज़ फर्स्ट एड के साथ स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट एड का मतलब होता है 282 PV ओनली, दैट इज़ अराउंड 8,500 to 9,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज करना। जो प्रोडक्ट आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो तो कंज्यूम होना ही है, उसको घर में तो कंज्यूम करना है। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें तो अगर आप 8,500 रुपीज़ के अराउंड जो प्रोडक्ट लेते हैं, आपको MRP to DP डिफरेंस 1,500 रुपये तक का MRP to DP डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब 1,500 रुपये आपने बचा लिए फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आता है आपको कंपनी के तरफ से फर्स्ट एड का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा अराउंड 750 रुपीज़ का, तो आपका हो गया टोटल 1,500 + 750 = 2,250। उसके बाद तीसरा चीज़, आपके अकाउंट में स्ट्रेट वे 8% का कैशबैक आएगा जो कि अराउंड 400 रुपीज़ होता है, तो आपको यहाँ पर आ गया 2,650 रुपीज़ का। तो अभी तक आपने 2,650 बचा लिए। और थर्ड जो बेहतरीन चीज़ मैं यहाँ पर बताने जा रहा था, आपको ये 8,500 रुपीज़ में 850 रुपीज़ का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो 10% का प्रोडक्ट होता है। अगर इसको भी आप कैलकुलेट कर देंगे 2,650 + 850 दैट इज़ कॉल टू 3,500 रुपीज़। दोस्तों सोचिए, आपने सिर्फ 8,500 का प्रोडक्ट परचेज किया और 3,500 रुपीज़ आपने पहले ही परचेज में सेव कर लिया, वही ना फायदे की बात। अगर यही चीज़ आप शुरू करते हैं खुद ही फर्स्ट एड में, जो कि देखा जाता है जनरल बिजनेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो चीज़ आप करते हो आपका डाउनलाइन चीज़ वही चीज़ करता है। अगर आप खुद फर्स्ट एड में शुरू करते हैं, आप खुद देखिएगा आपके डाउनलाइन में कितने बंदे फर्स्ट एड में शुरू करते हैं और उसके साथ आपका जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए प्लीज़ स्टार्ट कीजिए फर्स्ट एड में, वो भी विथ 282 PV। ऑल द बेस्ट।